मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारिसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की भी हेल्प नहीं की। एम्बेसडर साहब ने हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। और प्लीज हमारी जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैकुएट कर लिया। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैकुएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में तीन राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन, थैंक यू। हमारी एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट की जो एम्बेसी थी, उन्होंने हमारे लिए प्रॉपर पासेज क्रिएट किया, हमारे लिए ट्रेवल बसेज अरेंज की, हमारे लिए होटल्स अरेंज किए और अभी हमारे लिए फ्लाइट्स भी है। और हम लोग बहुत बहुत सारा थैंक यू कहना चाहते हैं टू मोदी गवर्नमेंट, टू द एम्बेसी हु आर वर्किंग फॉर अस। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।